हाय एवरीवन, वेलकम टू मैसी किचन। अमरूद का सीज़न चल रहा है। मैं अमरूद लेके आई थी, लेकिन ये अमरूद ना थोड़ा ज़्यादा पक गया है। अब इसे कोई खाने को तैयार नहीं है, तो इसलिए इसकी हम चटनी बनाएंगे। चटनी वैसे भी थोड़े ओवर पके अमरूद की बनती है, जो एकदम पीला पड़ जाता है। उसके लिए मैंने लिया एक अमरूद, थोड़ा सा धनिया विथ डंठल ऑफ कोर्स, देखिए डंडियाँ भी ली हैं और मैंने इसको रफली चॉप कर लिया है। एक हरी मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, सफ़ेद नमक, 1 टीस्पून शक्कर और थोड़ा सा नींबू का रस। तो पहले हम अमरूद को काट लेंगे और इसके सारे बीज निकाल देंगे। हम चटनी में बीज बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए मैं ये सारे बीज इसके निकाल दूंगी। आप देख सकते हैं मैंने अमरूद के पीसेस कर दिए हैं बीज निकाल के। वैसे तो ये चटनी सबसे अच्छी सिलबट्टे पर बनती है, लेकिन सिलबट्टे वाला इफेक्ट लाने के लिए इसकी एक ट्रिक है। अब इसमें मैं डाल दूंगी सबसे पहले धनिया, मतलब अमरूद छोड़ के हम बाकी सारी चीज़ें चटनी वाले जार में डाल देंगे। तो धनिया, जीरा, आधा चम्मच सफ़ेद नमक, 1 चम्मच शक्कर, शक्कर इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं चटनी थोड़ी खट्टी मीठी बने, और थोड़ा सा नींबू का रस आधी चम्मच करीब, हरी मिर्च। और इसको मैं पीस लूँगी एकदम बारीक। अभी हम अमरूद नहीं डालेंगे, नहीं तो बारीक चटनी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए पहले मैं इसको पीस लूँगी 1 टीस्पून पानी डाल के। देखिए मैंने सारे मसाले और धनिया मिर्ची का एक बारीक पेस्ट बना लिया है। सिलबट्टे पे भी हम ऐसे करते हैं, पहले धनिया मिर्ची और मसाले अच्छी तरह से पीस देते हैं, फिर मैं इसमें डालूंगी अमरूद और इसको चलाऊंगी विपर पे। आपकी मिक्सी में, 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, मिक्सी में ये वाला बटन होता है, इससे तो हम पूरा पेस्ट बना लिया। अब ये जो बटन है इससे ब्लेड उल्टी घूमती है, आपको इस बटन को 3-4 बार ऐसे चलाना है हल्के हाथों से। इससे जो हमारा अमरूद है वो दर दरा पिसेगा। आप देख सकते हैं विपर पे करने से चटनी थोड़ी दर दर ही पिसी है। ये सिलबट्टे वाले इफेक्ट के लिए हमने ऐसे पीसी है, और वैसे भी अमरूद की चटनी एकदम चिकनी अच्छी नहीं लगती। इसको बस मैं खा लूँ, अब खाली कर लेती हूँ एक बाउल में। ये चटनी हमारी मील्स के साथ बहुत अच्छी लगती है, दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है, और बच्चे बड़ों सबको बहुत पसंद आती है क्योंकि इसमें थोड़ा खट्टा मीठा सा टेस्ट रहता है। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और डिटेल रेसिपी के लिए देखिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स।